2024 की शुरुआत काफी ज्यादा गजब हो रही है, क्योंकि अब सामने iQube ST भी पहुंच गई है, जो एक गजब 145 का रेंज दे रहा है। कुछ स्टिकर्स जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ST है, और कीमत क्या हुई अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, पर मैं आपको ना एक लंब सम बता सकता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके, क्योंकि जो iQube S है उसकी कीमत मेरे सिटी पे सब सब्सिडी हटा के पड़ रही है 1,61,000। तो उसी कैलकुलेशन पर मैं बताने वाला हूँ आने वाले समय में, तो वो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे पूरी चीज़ें जो है ना वो मैं एक बार थोड़ा सर्कुलेट कर देता हूँ, ऑलरेडी आप देखे हैं पर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, क्योंकि बेस्ट पार्ट में जैसे हेडलैम्प्स का सेटअप था ना, ये DRL फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था, तो एक बेस्ट पार्ट तो ये शुरू से ही लगता था जिसमें आप सेंटर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर प्यारा सा iQube का लोगो मोनो मिल जाता है। इसके अलावा ऊपर जैसे आप जाएंगे तो ये खूबसूरत सा DRL का सेटअप है, जो आई थिंक इस गाड़ी की खूबसूरती को और ज़्यादा प्यारा बनाता है। और ये एक नया कलर फॉर्म है, तो एक बार मैं सूरज की रोशनी में भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप एक ओवर थ्रू समझ सकें। अदरवाइज जो जितना भी हाइलाइटिंग पॉइंट है कलर के अलावा, जो बीच का भाग है ये जो पियानो ब्लैक फिनिश टच में दिया ना, इसके कारण थोड़ा सा ये बेहतर लगता है। अब जैसे शुरुआती पहलुओं में मैं दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये हट्टी कट्टी गाड़ी बाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपेयर में लगती है, एज कंपेयरिंग टू दी ओला या फिर एथर। अब इसके अलावा क्या बेहतर है, जैसे ये कलर थोड़ा सा ज़्यादा यूनिक फॉर्म में मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पूरा इलेक्ट्रिक जो पैमाना है उसका ये बेस कलर होगा, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हल्का सा ब्लूइशपन इलेक्ट्रिकपन को जो दर्शाता है वो चीज़ इसमें दिख जाता है। इसके अलावा कुछ पीछे का लुक ऐसा है। अब जो इसका मेन स्क्रीन में जो टच पैनल अब जुड़ गया है ना, उससे तो मैं पूरा बताने वाला हूँ, पर फिर भी एक लम सम इसके जो ओवर थ्रू हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या क्या मिलता है, तो 3 पैक है बैटरी का। फिलहाल हम लोग जब गाड़ी निकाल रहे थे तो इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रहा था लगभग 138 और 91% की बैटरी बची हुई थी। इसके अलावा बहुत सारे मोटर टाइप को आप समझना चाहेंगे तो BLDC के मोटर्स मिल जाते हैं इसमें। फिर मोटर आउटपुट पावर लगभग कितना देता है, तो 3.0 किलोवाट का है। इसके अलावा किसी भी ऐसी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टॉर्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, तो इसमें 33 Nm का टॉर्क दिया हुआ है। अब लेंथ से भी वाकिफ है, ऐसा कोई चेंजेस हुआ नहीं है iQube S के कंपेयर में, पर फिर मैं फिर भी आपको एक बार डिटेल्स बता देता हूँ। तो इसका लेंथ पड़ेगा 1805 और वहीं पर चौड़ाई अगर आप देखेंगे जैसे सामने से, तो नॉर्मल गाड़ियों के कंपेयर में थोड़ा ये ज़्यादा चौड़ा है, तो ये 645 mm का मिल जाता है। वहीं पर ओवरऑल हाइट कितना है आप पूछेंगे, तो नीचे पैमाने से आप काउंट करिएगा तो वो लगभग पड़ता है 1140 mm। इसमें एक और पैटर्न मैच करता है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, तो सफिशेंट आपको मिल जाता है 157 का, जैसे आप निचले पैमाने में देख रहे होंगे उसका ग्राउंड क्लियरेंस। तो 157 ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से इट्स क्वाइट बेटर, और भी बेहतर चीज़ें होंगी पर नए अपग्रेडेशन पे देखना पड़ेगा। अब टोटल कर्व वेट भी बता देते हैं, तो लगभग 129 से 130 kg है टू बी एग्जैक्ट, जो ब्रोशर रहता है उसमें दिखाता है 129.7। इसके अलावा मेन खेल मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से, गाड़ी को चालू किए, गाड़ी चालू करने के बाद सामने TVS iQube है, वेलकम करके ऑप्शन आया, मैं साइड स्टैंड हटा देता हूँ और यहाँ पर क्लिक बटन दबाने के बाद कुछ ये आ जाता है, जो वहीं पर वो दिख रहा होगा वैसे ही नॉर्मल फॉर्म है, बट डिफरेंट क्या है ना कि अब आप टच कर सकते हैं, तो इत्मीनान से आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार के टचिंग हर चीज़ हो जाता है। अब ब्राइटनेस क्या है, कितना बेहतर है, टच सेंसिंग कैसा है, वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। तो मैं अपने एकदम सॉफ्ट उंगली से टच कर रहा हूँ और हल्का सा भी अगर मैं यहाँ पर टच करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का तगड़ा रिस्पॉन्स देता है, जिसमें लेफ्ट साइड का पैटर्न देख रहे होंगे तो टोटल इसमें 7 इनपुट दिए हुए हैं, जिसमें सबसे निचला भाग अगर आप टच करते हैं तो कुछ इस प्रकार के बैटरी बताता है, जिसमें फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूँ ना बैटरी परसेंटेज 91%। और जितने लोगों को नहीं पता एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें 3 बैटरी के सेटअप आते हैं। इसके अलावा जैसे जब इनपुट होता है तो प्रोफाइल जब बनता है ओनर्स का प्रोफाइल, तो यहाँ पर और डिस्प्ले आने लगता है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें, ब्लूटूथ सेटिंग, माय व्हीकल इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें इसमें मिल जाती है। लेफ्ट साइड में कंट्रोल दिया हुआ है जिसमें ये एक रहा इंडिकेटर, ऑलरेडी आप पाके वे इसलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। हैजर्ड लाइट एक बेस्ट पॉइंट होता है तो उसके कारण से ये थोड़ा सा प्लस लगता है। अब फुट भी कितनी जगह है तो बता देता हूँ, सफिशेंट। मैं 9 नंबर का जूता पहनता हूँ, उसके पहनने के बाद कुछ इतना मुझे प्रॉपर स्पेस मिल जा रहा है, तो अगर आप बीच में सामान वामान भी रखते हैं तो आप इतने ध्यान से रख सकते हैं। ग्रिपिंग मैट भी ठीक है। अब आते हैं सीट कुशनिंग की तरफ, तो
बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं, क्योंकि जितना एक स्कूटी पे सॉफ्ट कुशनिंग होना चाहिए वो दिया था, आपको कोई एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रहा हैंडल ग्रिप, जिसमें ये पीछे आपको बैक सपोर्ट मिल जाता है। क्विक ओवरऑल ये झलक है, और आने वाले समय पे मैं इसका रेंज टेस्ट भी डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड ताकि जब भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आपको जानकारी मिल सके।